हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है मैथमेटिक्स का लेक्चर है। मैथमेटिक्स में आज हम बात करेंगे वो जो हम एज से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो एज से रिलेटेड ये जो है अगला लेक्चर है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप एज से रिलेटेड क्वेश्चन इजिली जो है आपके अपने एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, और ट्रिक से बताएंगे। तो देरी न करते हुए हम क्वेश्चन पे चलेंगे। और सबसे पहले बता देना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो इसमें मतलब चैनल पे आपको देखने को जो है मिलते रहेंगे, और जो आपके एग्जाम के जो एक प्रकार से पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो देखते हैं इसका जो है पहला क्वेश्चन। कह रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व माता और 5 वर्ष पूर्व जो है पिता पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष था। पिता और पुत्र की आयु का योग जो दिया था यहाँ पे 60 वर्ष दिया था। उसके बाद में दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 4:1 है। यहाँ पे पिता पुत्र की आयु का योग दिया गया है वो 60 वर्ष है, और दोनों की वर्तमान आयु जो निकल के आई है वो कितनी आई है, 5:4:1 के अनुपात में आ गई है। 4:1 पिता की वर्तमान आयु आपको पता करना है, पिता की जो वर्तमान आयु है वो क्या है इसको पता करना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की जो आयु का योग है वो 60 वर्ष है। ये चीज यहाँ पे पता है करना हमको। और उसके बाद में कह रहे हैं दोनों की वर्तमान आयु, दोनों की जो इस समय आयु है उनका अनुपात जो है 4:1 दिया गया है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, ये जो है दोनों का जोड़ दिया गया है, और ये जो है वर्तमान आयु दी गई है। ये आयु जो दी गई है वो 5 वर्ष पहले की दी गई है। अगर जो 5 वर्ष पहले इनकी आयु जो थी वो 60 थी, इसका मतलब हो गया कि बेटे की जो आयु का अनुपात 4:1 है ये वर्तमान में है। अगर जो हम इसमें 5 वर्ष पहले कह रहे हैं, तो 5 वर्ष बाद अगर जो जोड़ दें तो वर्तमान आयु ये निकल आएगी, वर्तमान आयु का योग। तो 5 वर्ष बेटे के भी बड़े होंगे और 5 वर्ष जो है पिता के भी बड़े होंगे। तो टोटल जो बढ़ा होगा 5 वर्ष बेटा का और 5 वर्ष पिता की आयु 5-5 साल बड़ी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये 60 और 10 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा जोड़ने पे। तो ये 70 आयु जो है वर्तमान निकल आई। अब ये 4 और 5 ये 4:1:5 मतलब ये योग दिया गया है पिता पुत्र की आयु का योग। तो अनुपात का भी योग अगर जो करेंगे तो सेम मतलब उसी के यूनिट में आएगा, तो 4:1:5 आ जाएगा। तो 5 यूनिट बराबर 70 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 14 के बराबर है। 14×5=70 होता है, नहीं कैंसिल करना तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 70 को 14 निकल आएगा। अब ये 14 जो निकल आया ये वर्तमान आयु निकल आया, तो ये 14×4 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ये वर्तमान आयु निकल आएगी, 56 है, और यहाँ पे एक बार 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 14 आ जाएगा। तो ये जो वर्तमान आयु निकल आएगी ये पिता की कितनी निकल आएगी, 56 वर्ष जो है पिता की वर्तमान आयु निकल आएगी। अगला देखिए, 2 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का मतलब 4 गुना है, ए की आयु बी की आयु का जो है प्रकार 4 गुना है। अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, 2 वर्ष पहले, तो ए और बी की आयु तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 4 गुना का मतलब 4 का मल्टीपल है बी की आयु का। तो हम डायरेक्ट हम इसको जो जिसका गुना होता है उसको 4 दे देते हैं, जिसका मल्टीपल होती है उसको 1 दे देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये देखिए रेशियो निकल के आता है, इसको हमने पहले भी बताया है, ए अपान बी बराबर 4:1। इसी को हम रेशियो में उसमें अनुपात में लिख सकते हैं, 4:1 यहाँ पे एक प्रकार से क्या कहते थे, 4:1 को हम ये लिखे 4:1 जो है इसको लिख सकते हैं। तो ये जो आयु जो यहाँ पे दी गई है ये कब दी गई है, ये 2 वर्ष पूर्व जो है उनकी आयु बता रहे हैं। तो 2 वर्ष पूर्व हमने जो है आयु निकाल ली। उसके बाद में कहें 8 साल बाद ए की आयु बी की आयु से 12 साल अधिक है। समय का अंतर इनके इनके बीच जब 8 साल हो गया, एक जाहिर सी बात है समय का अंतर हो गया 8 साल, तब उनकी जो आयु का अंतर हो गया वो कितना आ गया, 12 वर्ष अधिक निकल आया। 8 साल हो गए तब इन दोनों की आयु का अंतर हो गया 12 साल। हमने आपको बताया था कि अंतर पूर्व दिया हो या बाद दिया हो या वर्तमान दिया हो, रेशियो का अंतर मतलब उम्र का अंतर कभी नहीं चेंज होता है, अंतर हमेशा बराबर रहता है चाहे रेशियो में कुछ भी आए। तो हम इसका इसका माइनस करते हैं, देखिए कितना आएगा। अब यहाँ पे देखिए, कोई किसी की उम्र 12 साल है, किसी की 13 साल है, अंतर इसका 1 साल है।
अब एक साल मान लिया जाए, 2 साल बाद बताना है, तो इसमें दो जोड़ दोगे तो ये 14 साल आ जाएगा, इसमें दो जोड़ोगे तो ये 15 साल आएगा, लेकिन अंतर हमेशा वही रहेगा। अंतर कितना रहेगा? हमेशा एक ही रहेगा, तो अंतर चेंज नहीं होता है कभी भी। तो उसी प्रकार से अनुपात से भी हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं कि अंतर जो है कभी चेंज नहीं होता है। देखिए यहाँ पे 4 और 1 का अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 यूनिट जो है ये अंतर यहाँ पे इतना है, लेकिन समय का उनकी जो उम्र का अंतर दिखा रहे हैं, एक्चुअल में 3 यूनिट अंतर, लेकिन जो सालों का अंतर है वो 12 है, तो 3 यूनिट जो है ये 12 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। डिवाइड कर दीजिए 3 से 4 12 को, तो 4 आ जाएगा। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 चौके 16 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये वर्तमान आयु जो है यहाँ पे निकल आई। ए और बी की वर्तमान आयु का जो है अनुपात कितना होगा? अनुपात का 4 का 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, रेशियो 1। तो अनुपात जो आएगा वो 4:1 जो है इसका सही आंसर बताएगा, 4:1 जो है उसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार से अगला देखिए, ए बी से 3 वर्ष छोटा है, ए जो है बी से 3 वर्ष छोटा है, ठीक है, ए छोटा है बी से, ठीक है, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो बी जो है, बी की आयु वो b माइनस ए इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अगली बात देखिए, c a से 2 वर्ष बड़ा है, c जो है वो a से वो कितना है, 2 वर्ष बड़ा है, c जो है a से 2 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया हमने, इसकी जगह हमने x क्यों लिख दिया, यहाँ पे 3 वर्ष छोटा था ना, ये चीज हमने गलत कर दी। ए जो है वो कह रहे हैं बी से 3 वर्ष छोटा है, तो ए बी माइनस ए बराबर 3 और सी माइनस ए बराबर 2। सी जो है ए से इतना छोटा है। उसके बाद में कह रहे हैं बी सी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो बी और सी से कितने मतलब क्या संबंध हो सकता है। तो यहाँ पे ए दिख रहा है, यहाँ पे ए दिख रहा है, अगर जो हम यहाँ पे माइनस दिख रहा है, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, समान चिन्ह दिख रहे हैं, तो हम इसका क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस कर दीजिए, ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर निकल के आ जाएगा बी माइनस जो माइनस के साथ है माइनस सी बराबर 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, ठीक है, पॉजिटिव का बचेगा क्योंकि इसके पास प्लस साइन है। तो बी जो है वो सी से 1 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ पे 1 वर्ष जो है वो बड़ा है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होता हो जाता है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 3 सही आंसर होगा। तो ये लेक्चर जो दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों में, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।